सिंड्रेला और घंटी का टावर। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत शहजादी रहा करती थी, जिसका नाम था सिंड्रेला। और उसके पास दो चूहे थे, जो कि उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। हम एक डांस पार्टी में जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। क्या मुझे ये अपने ग्लास शूज पहनने चाहिए कल? अरे हाँ बिल्कुल। और हाँ, वो तुम्हारा नीला सूट भी जरूर। जब सिंड्रेला पार्टी के लिए अपने कपड़े निकाल रही थी, जो कि महल में अगले दिन होने वाली थी, उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनों ने भी वो खबर सुन ली थी कि महल में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। अम्मी, ये सूट मैं नहीं पहन पा रही जो मुझे कल पार्टी में पहनना है। मेरे बाल भी बहुत बुरे हो रहे हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें महल जाना है रात को। लेकिन पार्टी तो कल है अम्मी। आंटी जीनिया एक जादू बनाएंगी और हम उस रात शहजादे लियो को बचाएंगे और फिर हम महल में रहा करेंगे। कैसे? ज्यादा सवाल मत करो और जाओ, जाके तैयार हो जाओ अभी। लेडी पफी और उसकी बेटियां पार्टी से एक दिन पहले महल की तरफ निकल पड़ी। जीनिया का उल्लू लेडी पफी और उसकी बेटियों का इंतजार कर रहा था। वो उनके लिए दो जादू लाया था, एक लाल और एक नीला। अगर आप ये ब्लू वाला पिएंगी तो आप जादू से महफूज रहेंगी और उसके बाद आपको रेड वाला पीना होगा। मैं तो चला। जब वो उल्लू वहां से गया तो लेडी पफी और उसकी बेटियों ने नीला वाला जादू पी लिया। फिर उन्होंने अपना रास्ता आगे बढ़ाया और महल के अंदर आ पहुंचे। पफी ने जल्दी से उस लाल जादू को उस घड़ी पर रखा जो कि जीनिया ने उसे दिया था। जादू फैला और लाल धुएं के बाद वो उड़ गया और गायब हो गया। अब से 12 घंटे के बाद जो भी इस महल में दाखिल होगा वो बर्फ से जम जाएगा। हम शहजादे लियो को नीले जादू से बचा लेंगे और वो फिर हमें महल में ले जाएगा क्योंकि हमने उसकी जान बचाई। फिर उसकी बेटियां अपना काम करने के बाद महल से निकल गईं और जल्दी से अपने घर की तरफ निकल पड़ी। अगला दिन आ गया। सिंड्रेला ने अपना कमरा छोड़ दिया पार्टी में जाने के लिए। महल पूरा भरा हुआ था और सब लोग वहां पर डांस कर रहे थे। सिंड्रेला ने देखा कि शहजादा लियो उसकी तरफ आ रहा है सबको छोड़कर। जैसे ही वो डांस करने के लिए आ रहा था, शहजादा लियो अचानक रुक गया। वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम गया। सिंड्रेला को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। शहजादे? शहजादे ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो जमा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? सिंड्रेला, यहाँ देखो, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा। सिंड्रेला महल में सब की तरफ जाने लगी और देखा कि सब एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और जमे हुए हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है कि कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता? मेरे ख्याल से ये जादू सिर्फ इंसानों पर असर करता है। और तुम इसलिए बची हुई हो कि तुमने ये सैंडल पहनी हुई है। मोज़रेला सही था। सिंड्रेला अपने जादुई जूतों की वजह से अभी तक जमी नहीं थी, लेकिन सिंड्रेला एक अच्छी परी भी थी जो कि सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि महल में तमाम लोगों को बचाना चाहती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुम वो पुरानी सी घड़ी देख रहे हो? जब सिंड्रेला सीढ़ियों से ऊपर गई
तो लाल धुएं ने उसे जकड़ लिया। उसने घड़ी को थोड़ा करीब से देखा और उसने देखा कि वो घड़ी रुक चुकी है। ये तो वो घड़ी है जो सदियों से चल रही थी। यकीनन इस पर किसी ने कोई जादू किया है। हम इसे तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये लोग क्या यहाँ इसी तरह हमेशा खड़े रहेंगे? ओह, ये तो बहुत बुरा होगा। हम इस बारे में लिया बेल से बात कर सकते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके। जब सिंड्रेला और उसके दोस्त महल से बाहर निकले हेजलनट के पेड़ के पास जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बाहर भी बहुत सारे लोग जमे हुए हैं और कुछ लोग तो गाड़ियों पर भी रुके हुए हैं। फिर वो हेजलनट के पेड़ के पास आए और लिया बेल को बुलाया। लिया बेल, जहां पर भी हो यहां फौरन आ जाओ। लिया बेल जल्दी से हेजलनट के पेड़ के पास आ पहुंची। सिंड्रेला, तुम डरी हुई और परेशान लग रही हो, क्या बात है? हमारे महल की घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है और इस वजह से वहाँ पर सारे लोग बर्फ से जम गए हैं। ये बहुत ही कोई ताकतवर जादू है जिसने कई सालों से चलती हुई घड़ी को रोक दिया है। इसमें तुम्हारी सिर्फ एक परी मदद नहीं कर सकती, इसके लिए एक खौफनाक आवाज़ चाहिए। ताकतवर आवाज़? जैसे लकड़ी तोड़ने की आवाज़ या बादल गरजने की? एक घंटे से भी बड़ी आवाज़ चाहिए, वो इतनी ज्यादा हो कि वो उस घड़ी के जादू को तोड़ सके। हाँ, वो बेल टावर, हमें वहाँ जाके उसे बजाना होगा। हाँ, पर याद रखना, तुम्हें उस बेल को 12 दफा बजाना होगा। जल्दी करो। सिंड्रेला ने सीटी बजाकर अपने दोस्त पिजन को बुलाया और अपने चूहे दोस्तों के साथ बेल टावर के लिए निकल पड़ी। और उसी वक्त सौतेली माँ पफी और उसकी बेटियाँ अपने अपने कपड़े पहनकर महल की तरफ निकल पड़ी। तो क्या जादू ने काम कर दिखाया? हाँ, 12 घंटे तो कब के गुजर चुके। सिंड्रेला आखिरकार बेल टावर पर आन पहुंची। वो टावर पर ऊपर गई जहां पर बेल थी। उसने रस्सी घुमाई ताकि वो बेल बजा सकती, लेकिन वो घंटी जरा सी भी नहीं हिला पाई। आह, ये बहुत भारी है, मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रही। मैं इसे 12 बार कैसे हिलाऊंगी? सिंड्रेला ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दोबारा कोशिश की। इस बार घंटी थोड़ी सी हिली, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं। सिंड्रेला का दोस्त पिजन सिंड्रेला को इस हालत में देखकर बहुत उदास था, तो उसने चाहा कि वो भी सिंड्रेला की मदद करे। हाँ, ये बेल हिल रही है, करते रहो पिजन, हम ये दोनों मिलके कर सकते हैं। दूसरी तरफ पिजन अपने पर बहुत तेज हिलाने लगा। सिंड्रेला अपनी पूरी ताकत से उस रस्सी को घुमा रही थी और आखिरकार घंटी की पहली आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी। एक, दो, तीन। कुछ लोग जो हिल नहीं पा रहे थे वो हिलना शुरू हो गए। देखें, लोग हिलना शुरू हो गए हैं। अरे नहीं, जल्दी करो लड़कियों, जल्दी, शहजादे लियो को ढूंढना होगा। 11 और 12वीं घंटी की आवाज पर महल की पुरानी घड़ी काम करना शुरू हो गई। मैं दुआ करती हूँ कि महल में सब पहले जैसा हो गया हो। सिंड्रेला की मदद से वो सारे लोग जो महल में जम चुके थे वो दोबारा चलने लग गए। शहजादा लियो दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली बहन कसांड्रा को देखकर बहुत हैरान हुआ।
एक सेकंड, तुम कौन हो और यहाँ हो क्या रहा है? तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते शहजादे, मैं कैसेंड्रा हूँ। कहाँ है मेरी सिंड्रेला? सिंड्रेला! और उसी वक्त सिंड्रेला अपने व्हाइट पिजन के साथ महल आ पहुंची और महल की सीढ़ियों पर शहजादे लियो से मिली। ओ मेरे शहजादे, शुक्र है तुम वापस से ठीक हो गए। अरे मेरी शहजादी, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं बाहर थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए गई थी मेरे शहजादे। सौतेली मापा फी और उसकी बेटियाँ समझ चुकी थी कि सिंड्रेला ने जादू तोड़ दिया है और अपना मुंह छुपाकर भाग रही थीं। लेकिन सिंड्रेला ने उन्हें पकड़ लिया और सिंड्रेला ने उनसे कहा, पफी, कैसेंड्रा, जेसाबेल, मेरा अंदाजा सही निकला। ओ सिंड्रेला मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, पर याद रखना वक्त एक बहुत ही कीमती चीज है हम सब के लिए। तुम्हें अपना वक्त अच्छे काम करने में गुजारना चाहिए, ना कि बुरे काम। पफी और उसकी बेटियां सिंड्रेला की बात सुनकर बहुत अफसुर्दा हो गईं और महल छोड़कर चली गईं। सिंड्रेला शहजादे लियो के पास वापस आई और उसके चूहे दोस्त भी वहाँ आए, क्योंकि शहजादियाँ अपने शहजादे के साथ बिताए हुए लम्हों को कभी नहीं भूल सकती।